आठवीं कक्षा का पद्यवाक एक प्रार्थना, ये तो संकलित है। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। इस पद्यभाग का शब्दार्थ वारना, न्योछावर करना या समर्पित करना। टू सैक्रिफाइस, मति बुद्धि इंटेलिजेंस। बिसराना बुला देना, टू फॉरगेट तुरंत तुरंत इमीडिएटली। मान मर्यादा रेस्पेक्ट। शोक दुख सारो। अपमान तिरस्कार। इंसल्ट निज भाषा अपनी भाषा ओन लैंग्वेज। सद्भावना अच्छी भावना गुड विल। हट जिद स्टबर्न। संयम नियंत्रण रिस्ट्रेंट। पद्यभाग एक प्रार्थना की तो संकलित है। इस कविता का सारांश यह है, प्रार्थना का मनुष्य जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि मनुष्य सद्भाव के वातावरण में अपना जीवन बिताए। कवि चाहता है कि मनुष्य हर प्रकार के भेदभाव को भूलकर सबके साथ मिलजुल कर रहे, सबका आदर करे और अपने देश जाति भाषा के प्रति अभिमान रखे। यही सद्भावना के तत्व है। कवि ईश्वर से लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं। कवि प्रार्थना करते हुए चाहते हैं कि लोग सच्चाई सत्कर्म सौहार्दता सहयोग की भावना में विश्वास रखे, निज भाषा के प्रति लगाव बनाए रखे। हम लोग रोग और शोक से दूर रहे, लोगों में सद्भावना और एकता बनी रहे। जगत में अपने देश की गरिमा को बनाए रखे। हट करना छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहे। हम सब संयम से काम करें,
अपने देश पर बलिदान होने की भावना हम सब में रहे। हमें तो नादान बच्चे हैं, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हमें बुद्धि मति सद्भाव का वरदान देना। ऐसी एक मैं छोटी सी कविता सुनाती हूँ। हे सृष्टि के सृजनहार, तेरी महिमा अति महान, पहाड़ नभ सूरज चांद और तारे दिखाते तेरे अद्भुत काम, धरती पर पेड़ पशु पक्षी सारे सुबह शाम करते तेरा गुणगान, हमें भी दे बुद्धि और ज्ञान, तेरी करुणा पर हो अभिमान, वेद भाव से दूर रहकर मानव धर्म को अपनाकर तेरे भय में जीना सीखे, हम भी करें सबका कल्याण, सदा बड़ों को आधार देकर उन सबसे आशीर्वाद लेकर जीवन में हम बढ़ते जाए, कठिनाइयों से ना घबराए, ना करे दुष्टता, ना किसी का अपमान, हमारा साहस केवल बने देश की शान। From Nana Jyoti team, alone we can do so little, together we can do so much. For further information, kindly visit our website, that is www.nanajyoti.com.